हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। तो बेसिकली ये हमारे पास रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं, ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनसे कोई कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं। दोनों ही फंक्शन से हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ही कुछ अलग अलग तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो इन फंक्शन का मैं आपको क्राइटेरिया बताऊँगा कि दोनों फंक्शनों में डिफरेंस किस तरीके का होता है। तो अपने एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं 111 डॉट, जो कि एक डॉट के साथ सेपरेट हो रखे हैं, मल्टीपल नंबर्स हैं। और यहाँ पे हमने रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम सब्स्टिट्यूट का फंक्शन, जिससे कि हमें इसका बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन्हें हम किस किस सिनेरियो में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम रिप्लेस का फंक्शन लगाएंगे, रिप्लेस का। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओल्ड टेक्स्ट मतलब वही टेक्स्ट होता है जिसे हमें रिप्लेस कराना है जिसमें से। तो हमारा टेक्स्ट हो गया हमारी ये वैल्यू, फिर हम करेंगे कॉमा, फिर आता है हमारे पास स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट नंबर मतलब ये जो हमारे पास ये पूरी वैल्यू है इस सेल के अंदर, तो हमें स्टार्ट कौन से नंबर की वैल्यू को रिप्लेस कराना है, राइट। लेट सपोज 111, ये हमारे तीन हो गए, चौथे नंबर पे हमारे पास ये डॉट है, तो हमें फोर्थ नंबर वाली वैल्यू को रिप्लेस कराना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे फोर्थ, ये मैन्युअली डालना है हमें फोर्थ, देन कॉमा डालेंगे। इसमें लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब फोर्थ के बाद आप कितनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब कितने कैरेक्टर हों उसके बाद, फोर्थ वैल्यू के बाद। लेट सपोज मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, देन कॉमा करके, और आपको मतलब रिप्लेस करने के बाद न्यू टेक्स्ट में क्या डालना है। न्यू टेक्स्ट में अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ये माइनस वाला सिंबल, और इसे डबल कोट्स में डालना अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू डालते हो, और इसके बाद हम इसे कर देते हैं बंद, इसके बाद ओके करते हैं। तो आप देखेंगे फोर्थ वाली नंबर वाली वैल्यू पे हमारे पास ये इस तरह का माइनस ये वाला सिंबल आ चुका है। इसको रिप्लेस करके ये सिंबल हमारे पास यहाँ पर दिख गया। अगर हम इसे ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास पूरी वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाएंगे, राइट। अभी मैं नीचे वाला फंक्शन इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से लगाता हूँ, फिर से यहाँ पे रिप्लेस का फंक्शन लगाते हैं। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट आएगा, ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, स्टार्ट नंबर हमारा हो जाएगा फोर्थ से ही स्टार्ट करते हैं। फोर्थ मतलब मैंने इसलिए लिया है फोर्थ 1 2 3, और ये फोर्थ में हमारे पास ये डॉट है इसको हम रिप्लेस करेंगे, और स्टार्ट नंबर के बाद हम एक और कॉमा लगाएंगे, फिर आते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर। लेट सपोज मैं इस समय लिखता हूँ 1 2 3 4 कैरेक्टर लिख देता हूँ, मतलब इसके बाद की फोर वैल्यूज हमारी फोर्थ कैरेक्टर के आगे की फोर्थ वैल्यू हमारी रिप्लेस करने के बाद उसकी बदले हमारे पास आए स्टार का सिंबल एस्ट्रिक्स, और इसको इस डबल कोट्स में डालने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि इसकी फोर्थ वैल्यूज़ यहाँ से हट गई हैं, फिर यहाँ पे सीधा ये वाली वैल्यू आ गई है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रिप्लेस काम करता है। एक लास्ट टाइम और बता देता हूँ मैं आपको, इस बार हमने फोर्थ डाले थे तो 5 डाल के देखते हैं। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये वाला हो गया है, स्टार्ट नंबर हो गया हमारा फोर्थ, और फोर्थ नंबर मतलब यहाँ से, इसके बाद हमें 5 वैल्यू हमें रिप्लेस करवानी है, 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 वैल्यू को रिप्लेस कराना है, और इसके बदले हम ये पाइप का सिंबल डाल देते हैं और इसे ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसकी 5 वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के बाद अगर हम इसे ड्रैग करेंगे, तो इन सारी वैल्यूज़ में हमारे पास इस तरीके से हमारा जो आउटपुट इस तरीके से आएगा। तो डिपेंड करता है आपका जो भी टेक्स्ट है कि उसमें आपको किस तरह की मैनिपुलेशन करनी है। तो इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन बेसिकली वर्क करता है, काफ़ी इजी होता है। ये हमारा एक जैसे स्ट्रक्चर डेटा होता है जिसमें कि इसी तरह की वैल्यू हो, 111 डॉट 11 स्टार ब्रैकेट कुछ भी हो, कोई भी सिंबल हो, तो आप उसको नंबर के अकॉर्डिंगली, पोजीशन के अकॉर्डिंगली आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो रिप्लेस फंक्शन इस तरीके से काम करता है। सेकेंड आते हैं हम सब्सटीट्यूट फंक्शन की तरफ। तो सब्सटीट्यूट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर हम जो भी फंक्शन होता है उसका नाम लिख देते हैं, और उसके बाद हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास स्टार्ट ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जिस टेक्स्ट को हम रिप्लेस करना है। देन आता है हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में हमें
डबल कोट्स के अंदर कॉमा, ये वाला जो ये वाला डॉट का सिंबल है इसे डाल देंगे, और देन माइनस, देन कॉमा, फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉमा, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टेक्स्ट। मतलब इसको आपको किसके बदले रिप्लेस करना है, अगर मैं इसको कुछ भी नहीं, अगर इसके बदले आप कुछ नहीं चाहते तो आप डबल कोट्स इस तरह से लगा देंगे और उसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और इसे ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये सारे के सारे जितने भी डॉट्स हैं आपके ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएंगे नथिंग के साथ, राइट। और इसको हम अगर हम ड्रैग करते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे जितने भी डॉट्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया में चलते हैं, अगर हमें इसे रिप्लेस कराना हो तो कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट हमारा हो गया ये वाला, ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये डॉट है, देन कॉमा, न्यू टेक्स्ट अगर मुझे डालना है तो ये मैं माइनस वाले सिंबल डाल देता हूँ, और इसके बाद हम जो एंड वाला ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, इसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, ब्रैकेट क्लोज एंड देन ओके। तो अब देखेंगे कि जितने भी इंस्टेंसेस में हमारे पास डॉट था, तो इसमें यहाँ पे तो हम पोजीशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी इंस्टेंसेस में हमारे पास डॉट था तो सारे के सारे उसने चेंज कर दिया। इसमें हमें कोई पोजीशन नहीं देनी पड़ती, नहीं देनी पड़ती, और ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर जो भी हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट होता है जिसे हम रिमूव करवाने हैं उसके बदले कितने भी टाइम आए उसे, तो उसको उसके बदले ये जो भी आप अपना टेक्स्ट कैरेक्टर नंबर कुछ भी देंगे तो उसके उससे इसे रिप्लेस कर देगा, और उन सारे इंस्टेंसेस पे वो आपके सिंबल्स नंबर या कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका ये आ गया, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टार्स दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि खाली एक सिंगल टेक्स्ट को ही देगा। तो आप देखेंगे कि मैंने मल्टीपल स्टार्स को उसके साथ रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जो भी आपको अगर टेक्स्ट को रिप्लेस करना है या पोजीशन के अकॉर्डिंगली करना है तो वहाँ पे आपको रिप्लेस यूज़ करना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको मल्टीपल सिंबल्स या टेक्स्ट या किसी भी कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है तो वहाँ पे आप एक ही मतलब सिंगल फार्मूले में, तो वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी पावरफुल फंक्शन होते हैं बेसिकली, जब हम हमारे पास जैसे कहीं से डेटा आता है और वहाँ पे कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रिप्लेस करना पड़ता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट वगैरह फंक्शन लगा सकते हैं। कहीं पे हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस होते हैं तो वहाँ पे इसको भी इसका यूज़ करके हम अपने स्पेसेस को भी रिमूव कर सकते हैं नथिंग के साथ, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।